बनाकर उनका वंदन करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का जो झारखंडी स्वरूप यहां सामने आया है, उसको भी प्रधानमंत्री जी श्रीमान विरंची लाल जी कहते हैं। ये इस राज्य की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि विगत 5 सालों में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगा। हद तो ये है, 2 दिन से पिपरवार ठप है, लोग न्याय मांग रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, पुलिस उन पर लगातार कुछ घंटों के इंटरवल में बार बार लाठी चार्ज कर रहे। न्याय मांगने वालों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज होता है इस राज्य में, और अन्याय कर घूमने वालों को उनका केंद्रीय मंत्री कोर्ट के बेल से छूटने के बाद माला पहनाते। यही भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है और चरित्र भी। आप देखे होंगे पिछले जो 3 चरण के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी अब इस कदर बौखला गई, सारे नियम कानून को ताक में रखकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अनदेखा कर आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर एयरपोर्ट में ही रैली होती। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर दुमका के एयरपोर्ट पे ही रैली करेंगे। एक चीज आज ये साबित हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री को जब भी झारखंड याद आती है तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के नाम से उनके तोते उड़ जा रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है, पूरी राजनीतिक शून्यता नजर आती है। प्रधानमंत्री जी आए, अपनी राजनीति करें। दोस्तों, चुनाव का समय है, लोगों में गहमागहमी है, लेकिन समाज का जो विभत्स रूप हम लोगों के सामने आया है पिपरवार के रूप में, वो समाज को हिला देने के लिए, सिहरन पैदा करने के लिए बहुत काफी है। पूरा झारखंड मर्माहत है, क्रोधित है, आक्रोशित है। विगत 5 वर्षों से यहां जो लिंचिंग हुआ और शासन प्रशासन के राजनीतिक संगठनों के जो प्रश्न विभिन्न तरह की लिंचिंग की घटनाएं पूरे देश में यदि कहीं सबसे ज्यादा है वो झारखंड में। विगत 5 वर्षों में हम कह सकते हैं लगभग 10 दर्जन से भी ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ
घिनानों से घिनाना काम उनका रेप करके किया गया, जघन्य अपराध बच्चों के साथ हुए, प्रशासन हर बार केवल मूक दर्शक बनकर देखती रही, बलात्कार, हत्या, लूट उसे कई रूप सामने आए, हवस के हैवानियत से लेकर दाइन विसाही धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर लोगों के डाइन बिसाहीन, ये तमाम जो हिंदू मुस्लिम तैनाते हैं उनका वंदन करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का जो झारखंडी स्वरूप यहां सामने आया है उसको भी प्रधानमंत्री जी श्रीमान विरंची लाल जी कहते हैं। ये इस राज की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि विगत 5 सालों में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगा। हद तो ये है, 2 दिन से पिपरवा ठप है, लोग न्याय मांग रहे हैं, लोग आक्रोशित है, पुलिस उन पर लगातार कुछ घंटों के इंटरवल में बार बार लाठी चार्ज कर रहे, न्याय मांगने वालों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज होता है इस राज्य में, और अन्याय कर घूमने वालों को उनका केंद्रीय मंत्री कोर्ट के बेल से छूटने के बाद माला पहनाते। यही भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है और चरित्र भी। आप देखे होंगे पिछले जो 3 चरण के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी अब इस कदर बौखला गई, सारे नियम कानून को ताक में रखकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अनदेखा कर आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर एयरपोर्ट में ही रैली होती। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर दुमका के एयरपोर्ट पे ही रैली करेंगे। एक चीज आज ये साबित हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री को जब भी झारखंड याद आती है तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के नाम से उनके तोते उड़ जा रहे, आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है, पूरी राजनीतिक शून्यता नजर आती है। प्रधानमंत्री जी आए, अपनी राजनीति करें। ये जो तबाही का मंजर चला, अब झारखंड में ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। राज्य का पुलिस कप्तान भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाए, अपने चेंबर में बैठकर
आदिवासी गैर मजरुआ जमीन को कब्जा करे एकड़ों में, वहां पुलिसिंग तो हो ही नहीं सकता था। और उसी का नतीजा है कि पिपरवार का जो घटना है। शर्मिंदगी तो अब बच नहीं गई, न प्रशासन की शर्मिंदगी बची, न शासक दल के नेताओं की शर्मिंदगी बची। इसी तरह के एक प्रसूता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर देने वाला आसामी भारतीय जनता पार्टी का यहां उम्मीदवार बनता, हत्या रंगबाजी अपने महिला राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के में पक्ष करे, के पक्ष में प्रचार करे, लेकिन ये व्यक्तिगत टारगेट करना, ये उनके किस डर को, भाजपा के किस हताशा को दर्शाता है। वो 15 को दुमका आ रहे जहां से हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं, और पुनः 17 को आ रहे हैं जहां से हेमंत सोरेन जी भी वहीं से भी एक दूसरी सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सनल टारगेटिंग है, नहीं है तो क्या है? हमको लगता है धनबाद जामताड़ा गोड्डा साहेबगंज पाकुड़ दुमका इन जिलों में पांचवें चरण का चौथे चरण का चुनाव होगा। आप देखे होंगे इसके पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी या तो चुनाव के दिन इस राज्य में आते हैं, अब तो 15 तारीख को वो जब आ रहे हैं उस समय चौथे चरण का प्रचार समाप्त हो गया होगा। उस इलाकों के जो 15 विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक गतिविधियां समाप्त हो गई होंगी, तब जाकर उन्होंने उस दिन को चुना है दुमका में। हेमंत सोरेन जी से इतना डर, शिबू सोरेन के नाम से इतना डर, ऐसा तो प्रतीत होता है कि हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समय रहते अपनी हार को स्वीकार करते हुए लोगों से माफी मांगनी चाहिए उनके 5 वर्षों के कुशासन के लिए, उनके 5 सालों के सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक अत्याचार के लिए। प्रधानमंत्री जी 17 को बरेट आएंगे, बरेट सिद्धू कानू का जन्म स्थान, दोस्तों चुनाव का समय है, लोगों में गहमागहमी है, लेकिन समाज का जो विभत्स रूप हम लोगों के सामने आया है पिपरवार के रूप में, वो समाज को हिला देने के लिए, सियरन पैदा करने के लिए बहुत काफी है। पूरा झारखंड मरमाहत है, क्रोधित है, आक्रोशित है। विगत 5 वर्षों से यहां जो लिंचिंग हुआ और शासन प्रशासन के
राजनीतिक संगठनों के जो प्रोसेस विभिन्न तरह की लिंचिंग की घटनाएं पूरे देश में यदि कहीं सबसे ज्यादा है वो झारखंड में। विगत 5 वर्षों में हम कह सकते हैं लगभग 10 दर्जन से भी ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौनों से घिनौना काम उनका रेप करके किया गया, जघन्य अपराध बच्चों के साथ हुए। प्रशासन हर बार केवल मूक दर्शक बनकर देखती रही, बलात्कार, हत्या, लूट उसे कई रूप सामने आए, हवस के हैवानियत से लेकर डाइन बिसाही धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर लोगों के डाइन बिसाहीन, ये तमाम जो हिंदू मुस्लिम जनता पार्टी के में पक्ष करे के पक्ष में प्रचार करे, लेकिन ये व्यक्तिगत टारगेट करना, ये उनके किस डर को, भाजपा के किस हताशा को दर्शाता है। वो 15 को दुमका आ रहे जहां से हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं, और पुनः 17 को आ रहे हैं जहां से हेमंत सोरेन जी भी वहीं से भी एक दूसरी सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सनल टारगेटिंग है, नहीं है तो क्या है? हमको लगता है धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, इन जिलों में 5वें चरण का, 4थे चरण का चुनाव होगा। आप देखे होंगे इसके पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी या तो चुनाव के दिन इस राज्य में आते हैं, अब तो 15 तारीख को वो जब आ रहे हैं उस समय 4थे चरण का प्रचार समाप्त हो गया होगा। उस इलाकों के जो 15 विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक गतिविधियां समाप्त हो गई होंगी, तब जाकर उन्होंने उस दिन को चुना है दुमका में। हेमंत सोरेन जी से इतना डर, शिबू सोरेन के नाम से इतना डर, ऐसा तो प्रतीत होता है कि हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समय रहते अपनी हार को स्वीकार करते हुए लोगों से माफी मांगनी चाहिए उनके 5 वर्षों के कुशासन के लिए, उनके 5 सालों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अत्याचार के लिए। प्रधानमंत्री जी 17 को बरहेट आएंगे, बरहेट सिद्धू कानू का जन्म स्थान।